इन्हीं चीजों का सेवन करते रहते हैं। चीनी या शुगर भोजन में मिठास लाने की एक ऐसी वस्तु है जो कि आज पूरी दुनिया में पाई जाने वाली 60% बीमारियों की वजह बन चुकी है और इससे फैलने वाली बीमारियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वजह है लोगों का चीनी न छोड़ पाना, क्योंकि जब भी लोगों को शुगर कम करने की सलाह दी जाती है तो उन्हें यही लगता है कि मीठा खाना बंद करना होगा, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमेशा ध्यान रखें कि मीठा और चीनी दो अलग अलग चीजें हैं। एक व्यक्ति मीठा तो भरपूर मात्रा में खा सकता है, लेकिन चीनी बिल्कुल नहीं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के प्रोफेसर डॉक्टर रॉबर्ट लस्टिक का यह कहना है कि चीनी हमारे शरीर पर शराब यानी कि अल्कोहल की तरह असर दिखाती है और उतनी ही खतरनाक भी है। रॉबर्ट लस्टिक क्लिनिक और मेडिकल इंडस्ट्री से जुड़ा एक जाना माना नाम है। यह वही व्यक्ति है जिन्होंने देश में चीनी के सेवन से टाइप 2 डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा, फैटी लिवर, सेक्सुअल कमजोरी और दिल की बीमारियों के चलते शुगर के इस्तेमाल के खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाई थी। चीनी के अलावा वह कौन कौन सी चीजें हैं जिनसे भोजन में चीनी जैसी मिठास भी लाई जा सके और वह सेहत के लिए लाभकारी भी हो, इन सभी बातों पर हम आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि आखिर चीनी इतनी खतरनाक क्यों है और आज दुनिया भर के लोग इससे पीछा छुड़ाने के लिए शुगर फ्री चीजों का ज्यादा सेवन क्यों कर रहे हैं। चीनी गन्ने के रस से बनाई जाती है, लेकिन गन्ने के रस से लेकर चीनी के क्रिस्टल बनने तक की पूरी प्रक्रिया में इसके सभी न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं और साथ ही इसमें कई तरह के हानिकारक केमिकल्स का भी इस्तेमाल होता है। पोषक तत्वों के नजरिए से अगर देखा जाए तो चीनी में मीठेपन और केमिकल्स के अलावा और कुछ भी नहीं होता, यानी कि इसके अंदर प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स की मात्रा शून्य है। जब हम कुछ खाते हैं तो उसे पचाने की प्रक्रिया भोजन चबाते समय ही शुरू हो जाती है, लेकिन चीनी खाने पर ऐसा नहीं होता। चीनी पेट में जाने के बाद भी ठीक से नहीं पचती और यहाँ तक कि हमारे आते भी इसे पूरी तरह पचाने में असमर्थ होती है। यही वजह है कि चीनी से बनी चीजों का एक एक निवाला भी हमारे शरीर में वजन बढ़ाता है। शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ने पर त्वचा में झुर्रियाँ तेजी से बढ़ने लगती है, यानी कि ज्यादा चीनी का सेवन हमें जल्दी बूढ़ा बना देता है। चीनी एसिडिक होती है, इसलिए चेहरे और शरीर पर होने वाले एक्ने भी चीनी के अधिक इस्तेमाल का नतीजा हो सकते हैं। चीनी से बनी ड्रिंक जैसे कि शरबत, कोल्ड कॉफी, मॉकटेल्स और कोल्ड ड्रिंक आदि का सेवन करने से टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा 83% बढ़ जाता है। ज्यादा चीनी के सेवन से इंसुलिन का संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाता है और साथ ही मीठी चीजें दांतों में सड़न और पीलेपन को बढ़ावा देती है। चीनी का असर हमारे दिमाग पर भी होता है, इसलिए ज्यादातर लोगों को चीनी की वजह से मीठा खाने की आदत पड़ जाती है और जो लोग ज्यादा मीठा खाना पसंद नहीं करते उन्हें भी थोड़े टाइम बाद मीठा पसंद आने लगता है। यह ऐसी चीज है जिसे बार बार खाने का मन होता ही रहता है और हर बार इसे खाने की इच्छा पहले से ज्यादा बढ़ती चली जाती है। पेट और शरीर के अलग अलग हिस्सों में जमने वाली चर्बी चीनी का हमारे शरीर पर होने वाला सबसे बुरा प्रभाव दर्शाती है, क्योंकि चीनी की वजह से जमने वाली चर्बी से हमें दिल की बीमारियां, हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों की समस्या, गठिया, यूरिक एसिड, इंसोम्निया, किडनी और गाल ब्लैडर की बीमारियां तथा कैंसर जैसी 60 से ज्यादा बीमारियां हो सकती है। चीनी के हमारे शरीर पर जितने नुकसान बताए जाए उतने कम हैं, लेकिन बावजूद इसके सुबह की चाय से लेकर रात के दूध तक मिठाई, जूस, हलवा और कई तरह के पकवान बनाते समय हम चीनी का इस्तेमाल करते रहते हैं। कैसा हो अगर चीनी जैसी कोई और चीज मिल जाए जो कि हमें नुकसान पहुंचाने की जगह फायदा पहुंचाए? आइए जानते हैं 5 ऐसी ही चीजों के बारे में जिनका हर तरह की बनाई जाने वाली चीजों में नेचुरल स्वीटनर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। देसी खांड और मिश्री। देसी खांड और मिश्री का सेवन वैसे तो पुराने समय से किया जाता आ रहा है, लेकिन चीनी आ जाने के बाद लोग इन्हें भूल चुके हैं। गन्ने के रस को गर्म करके लगभग 3 दिन तक लगातार हिलाया जाता है। उसके बाद इसे वॉशिंग मशीन की तरह घूमने वाली मशीनों में तेज रफ्तार में घुमाकर इसे पानी और दूध की मदद से साफ किया जाता है, जिससे कि इसमें जमी सारी गंदगी साफ हो जाती है और सूखने पर इसका रंग सफेद हो जाता है। इस तरह से देसी खांड बारीक रवे जैसे पाउडर के रूप में तैयार होता है। मिश्री बनाने के लिए तैयार खांड को गर्म करके पिघलाया जाता है और इसमें लंबे धागों को डालकर क्रिस्टल के रूप में बदल दिया जाता है। बाजार में जो चौकोर छोटे आकार की मिश्री मिलती है उसका इस्तेमाल न करें, क्योंकि वह भी चीनी का एक बड़ा रूप है। हमेशा केवल धागे वाली बड़े आकार में मिलने वाली मिश्री का ही इस्तेमाल करें। यह दोनों ही चीजें आपको राशन या पंसारी के पास कम दामों में ही आसानी से मिल जाएगी। मिश्री और खांड हमारे शरीर को ठंडक प्रदान करते हैं, इसलिए आयुर्वेद में भी इनका इस्तेमाल अलग अलग तरह की जड़ी बूटियों और दवाइयों के साथ मिलाकर किया जाता आ रहा है। चीनी में जहां कोई खनिज लवण नहीं पाए जाते वहीं खांड और मिश्री पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, क्योंकि इन्हें चीनी की तरह रिफाइंड नहीं किया जाता। इन दोनों को ही चीनी की जगह पर मिठास के लिए
लस्सी, खीर, हलवा, मिठाई और चाय आदि जैसी चीजों के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है। ये कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, डाइट्री फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। कोकोनट शुगर। देसी खांड और मिश्री की तरह कोकोनट शुगर भी पूरी तरह अनरिफाइंड होती है, यानी कि इसे बनाने में बहुत ज्यादा सफाई, धुलाई और केमिकल्स का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता। कोकोनट शुगर बनाने के लिए पहले नारियल के पेड़ के फूलों और डंडियों में से मीठा पानी इकट्ठा किया जाता है और इसे पकाने के बाद ठंडा करके जमा दिया जाता है। कोकोनट शुगर में कैलोरीज आम शुगर के बराबर ही होती है, लेकिन इसे हमारा शरीर आसानी से पचा सकता है और इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है। यह साधारण चीनी की तुलना में बहुत ज्यादा हल्की होती है। इसमें आयरन, पोटेशियम, जिंक और कैल्शियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी शुगर के मुकाबले काफी कम होता है। कोकोनट शुगर आपको किसी भी सुपरमार्केट या फिर ऑनलाइन आसानी से मिल जाएगी। डेट्स शुगर। डेट्स यानी कि खजूर को भी मिठास के लिए चीनी की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। डेट शुगर घर पर भी बनाई जा सकती है या फिर आप चाहें तो इसे मार्केट से बना हुआ भी खरीद सकते हैं। सूखे हुए खजूर के बीज निकालकर इन्हें हल्का भून लें और फिर मिक्सर में चलाकर इसका पाउडर बना लें। पाउडर बन जाने के बाद इसे छानकर किसी जार में भरकर रख लें। हालांकि खजूर से बनी इस शक्कर का चाय या कॉफी जैसी चीजों में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका खुद का भी एक अलग फ्लेवर होता है और फाइबर की अधिकता की वजह से यह तरल में पूरी तरह नहीं घुल पाती। लेकिन फिर भी इसका इस्तेमाल गरम दूध के साथ मिठाई या स्वीट डिशेस जैसे कि खीर, हलवा, मीठा दलिया, ओट्स, सीरियल और केक जैसी चीजों को बनाने में किया जा सकता है। डेट शुगर को रेगुलर शुगर का सबसे हेल्दी अल्टरनेटिव माना जाता है, क्योंकि इसमें विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसके इस्तेमाल से शरीर में जमा कोलेस्ट्रॉल कम होता है और साथ ही यह हमारी हड्डियों को भी मजबूत बनाती है। जिन लोगों का भोजन ठीक तरह से नहीं पचता या जिन्हें दिन भर थकान महसूस होती रहती है, उनके लिए भी यह बहुत उपयोगी है। गुड़। गुड़ भी चीनी की जगह पर इस्तेमाल किए जाने वाला एक बहुत अच्छा विकल्प है। गुड़ की तासीर गर्म होती है, इसलिए इसे ज्यादातर ठंड या बरसात के मौसम में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। पोषक तत्वों के नजरिए से अगर देखा जाए तो गुड़ में विटामिन और मिनरल्स की मात्रा मिश्री, खांड और कोकोनट शुगर से कई गुना ज्यादा होती है, क्योंकि यह सबसे ज्यादा अनरिफाइंड और रॉ फॉर्म में होता है। चीनी जहां एसिडिक होती है, वहीं तासीर गर्म होने के बावजूद भी गुड़ अल्कलेटिक होता है। एक व्यक्ति जितनी ज्यादा अल्कलाइन डाइट फॉलो करता है, उतना ही ज्यादा स्वस्थ और निरोगी बना रहता है। जिन लोगों के शरीर में कफ की मात्रा अधिक होती है, उन्हें गुड़ का ज्यादा मात्रा में सेवन करना चाहिए। यह नसों में आई ब्लॉकेज को ठीक करने से लेकर लीवर की सफाई करने के लिए भी बहुत लाभकारी है।